के बारे में। तो आइए बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल क्या है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का। प्रिंसिपल है कि आर्सेनिक इन द आर्सेनियस स्टेट कैन बी रिड्यूस टू आर्सेन गैस, यानी कि आर्सेनिक को हम आर्सेनियस स्टेट में रिड्यूस करा सकते हैं, किसमें, आर्सेन गैस में। और ये जो आर्सेन गैस बनती है इसको हम रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मर्करी क्लोराइड पेपर के साथ। और मर्करी क्लोराइड पेपर पे यही आर्सेन गैस क्या करती है, देती है येल्लो स्टेन, यानी कि येल्लो कलर का एक दाग देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आर्सेनिक मौजूद है। ठीक, अब ये जो प्रिंसिपल है इसको हम रिएक्शंस के तौर पर समझते हैं कि रिएक्शंस के तौर पर ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में बात करें, किसी भी सॉल्यूशन में जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होती है वो दो तरीके से रहती है। ठीक, किस तरीके से, या तो आर्सेनिक की इम्प्योरिटी रहेगी As3 पॉजिटिव की फॉर्म में, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगी 3 पॉजिटिव के ऑक्सीडेशन स्टेट में, या एग्जिस्ट करेगी As5 पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, +5 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो सॉल्यूशन में मौजूद रहती हैं। ठीक है, हम जैसे ही सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हैं तो जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ है वो क्या करती हैं, एसिड में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो As3 पॉजिटिव वाली जो इम्प्योरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी आर्सेनियस एसिड में, जिसका फॉर्मूला होता है H3AsO3। आसान है याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे H3, इसमें भी 3 आएगा और O के पसार भी 3 लग जाएगा। ठीक, और जो As5 पॉजिटिव वाली होती है इम्प्योरिटी वो चेंज हो जाती है H3AsO4 में। अब ये दो तरह की इम्प्योरिटी होगी, एक तो आर्सेनिक एसिड और दूसरी आर्सेनियस एसिड। हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो आर्सेनियस एसिड होता है, जो आर्सेनिक आर्सेनियस स्टेट होती है आर्सेनिक की, इसी को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, आर्सेन गैस में। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाली जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, ये वाली हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है, बाकी ये वाली हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जो हम ये वाली फॉर्म है As5 पॉजिटिव वाली फॉर्म है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, As3 पॉजिटिव वाली फॉर्म में। और वो काम होता कैसे है, वो काम होता है इसके थ्रू। ठीक है, बाय यूजिंग स्टेनस क्लोराइड प्लस में पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, H3AsO4। ठीक है, यानी कि आर्सेनिक एसिड पे हम रिएक्शन करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड का और पोटेशियम आयोडाइड का, और ये जितनी भी आर्सेनिक एसिड है ये चेंज हो जाता है किसमें, आर्सेनियस एसिड में। ठीक है, तो आप देख सकते हो H3AsO4 की रिएक्शन हुई स्टेनस क्लोराइड के साथ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और ये चेंज हो गया किसमें, आर्सेनियस एसिड में। ठीक, तो जो ये वाली है हमने आर्सेनिक एसिड इस सबको कन्वर्ट कर लिया आर्सेनियस एसिड में, तो अब हमारे पास जो रह गया वो ये रह गया H3AsO3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर यूज़ करेंगे जिंक, हम इस पर यूज़ करेंगे जिंक और HCl का। तो हमने आगे यूज़ करा बाय यूजिंग जिंक एंड HCl, H3AsO3 पे यूज़ किया जिंक और HCl का, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आर्सेन गैस में। अब आर्सेन गैस का फॉर्मूला होता है AsH3। ठीक है, कन्वर्ट होगी आर्सेन गैस में, बाकी हमारा वाटर निकल जाएगा। अब जो आर्सेन गैस बनी, इस आर्सेन गैस की रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ, मर्करी क्लोराइड पेपर के साथ, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में देखा था। ठीक है, तो अब इसकी रिएक्शन होगी मर्करी क्लोराइड पेपर के साथ इसी आर्सेन गैस की, इस आर्सेन गैस की। तो AsH3, इसके दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे मर्करी क्लोराइड के पेपर के साथ। मर्करी क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HgCl2, ये मर्करी क्लोराइड पेपर है। इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो होगा क्या, होगा ये कि जो क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल हैं यहाँ से दो H को निकाल लेंगे, यानी कि दो HCl हमारे निकल जाएंगे। ठीक, और जो मरकरी है, मरकरी के साथ AsH2 के दो मॉलिक्यूल इस तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, ये जो चीज़ बनेगी, ये जो चीज़ बनेगी यही येलो कलर का स्पॉट देती है मरकरी क्लोराइड पेपर पे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मरकरिक आर्सेनाइड। ठीक है, यही येलो कलर का स्पॉट देती है। तो ये थी बात हमारी प्रिंसिपल के बारे में आर्सेनिक के। अब नेक्स्ट, तो पहले बात करते हैं एपरेटस के बारे में कि कौन सा एपरेटस यूज़ होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। तो देखो, जो अपरेटस है उसका नाम है गट्ज़ेट अपरेटस। ठीक है, गट्ज़ेट अपरेटस यूज़ होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। ये जो डायग्राम मैंने दे रखा है नीचे, ये है गट्ज़ेट अपरेटस का डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें 120 ml वाइड माउथ ग्लास बॉटल विद रबर कॉक। ठीक है, एक ग्लास की बॉटल चाहिए 120 ml, इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाइड माउथ होना चाहिए। ठीक है, और साथ में इसमें रबर कॉक होनी चाहिए। ठीक,
इसके बाद दूसरी चीज़ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होनी चाहिए जिसका इनर डायमीटर 6.5 mm होना चाहिए और आउटर डायमीटर 8.0 mm होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ठीक है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो हो फिट होना चाहिए दो रबर बंक्स के बीच में। ठीक है, कुछ हाइट पे। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो है वो फिक्स होना चाहिए रबर बंक्स की हेल्प से। ठीक है, जो रबर बंक्स है वो हमने फिट कर रखी है किसकी हेल्प से, ग्रिप की हेल्प से। ठीक है, ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी लेंथ यहाँ से लेकर वहाँ तक। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ जो इसके अंदर मेन है वो है कॉटन प्लग। ठीक है, यहाँ पे एक कॉटन प्लग होना चाहिए, और कॉटन प्लग कितना होना चाहिए, तो कॉटन प्लग 25 mm ब्लो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे 25 mm से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। और कॉटन प्लग जो होता है इसके अंदर होता है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का काम क्या है, लेड एसीटेट का काम ये है कि जो भी सॉल्यूशन में से आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ अगर कोई सल्फर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है जो कि भाई गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो वो जो कॉटन प्लग है वो सल्फर इम्प्योरिटीज़ को यहीं रोक लेगा। ठीक है, जिससे कि भाई वो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ के साथ जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर कोई एरर पैदा ना करे। ठीक है, तो मेन जो कॉटन प्लग का काम है वो क्या है, सल्फर इम्प्योरिटीज़ को रोकने के लिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसी में प्रोसीजर के बारे में कि आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो, प्रोसीजर के लिए हमें ये चीज़ जान लेनी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ऑपरेटर सेट करने पड़ेंगे, एक तरफ तो स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ टेस्ट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाला होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो स्टैंडर्ड वाले के अंदर होगा 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक इन 50 ml वाटर। ठीक है, 50 ml पानी में, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर्सेनिक में 10 ppm आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट, इसमें ऐड करना है 10 ml स्टेनस एसीएल एसिड, थर्ड ऐड करना है 1 g पोटेशियम आयोडाइड और 10 g जिंक मेटल। ठीक, इसके बाद क्या करना है, प्लेस इन अपरेटस फॉर 40 मिनट, इसको हमें एक अपरेटस में प्लेस कर देना है। जो ऊपर तीनों चीज़ें हमने देखी हैं, तीनों पॉइंट्स के अंदर चीज़ें देखी हैं, इनको सबको मिला के अपरेटस के अंदर प्लेस कर देना है फॉर 40 मिनट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें टेस्ट में, तो टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही करना है, बस जो डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड और टेस्ट में वो फर्स्ट पॉइंट में ही है। ठीक है, इसमें 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था आर्सेनिक का, यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमें सैंपल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें टेस्टिंग करनी है कि आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ मौजूद है या नहीं है या फिर कितनी लिमिट तक मौजूद है, तो हम उस सैंपल को लेंगे, डिजोल्व सैंपल इन 50 ml वाटर, उस सैंपल को लेंगे और उसको डिजोल्व कर लेंगे 50 ml वाटर में। ठीक है, बाकी पॉइंट्स इसके सेम रहेंगे कि भाई 10 ml उसमें स्टेनलेस एसीएल डालना है, 1 g पोटेशियम आयोडाइड, 10 g जिंक और 40 मिनट्स के लिए रख देना है एक दूसरे सेपरेट गट्जेट अपरेटस में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब दोनों को रख देंगे और 40 मिनट्स हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ऑफ बोथ। एक तरफ तो जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ वाला गट्जेट अपरेटस होगा उसके ऊपर क्या होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड जो पेपर होगा उसके ऊपर स्टेन आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों स्टेन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ऑफ बोथ। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला का भी और टेस्ट वाले का भी। इसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट मस्ट हैव लेस स्टेन देन स्टैंडर्ड टू पास। जो टेस्ट वाला होता है इसका जो स्टेन होता है, यानी जो इसका दाग बनेगा, ठीक है, वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, जब भी हमारा जो टेस्ट है वो पास होगा। तो ये थी बात हमारी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में।